गुड इवनिंग जनता, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब मीनाक्षी और आदि के बिना। तो आज मैं हो गया हूँ थोड़ा सा फ्री, तो मैं सोच रहा हूँ घर थोड़ी साफ़ सफाई कर लूँ। देखो घर की हालत यार, घर की हालत देखो और नहीं करता है फिलहाल घर की हालत। कपड़े जब से वो गई है तब से ऐसे ही पड़े हैं। मंदिर में रेगुलरली साफ़ कर देता हूँ। किचन की हालत है ये, गैस की हालत है ये, जबकि मैंने इसमें सिर्फ दो तीन बारी मैगी बनाया है। किचन की भी वाट लगी ली है। कपड़े मैंने धोने डाल दिए हैं, वाट लगी पड़े लिया भाई, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये सब कपड़े ऐसे ही फेंक देता हूँ मैं। और इस रूम की हालत तो माशा ही अल्लाह है। रुको पहले ये देखिए, अभी मैंने साफ़ सफ़ाई चालू करी है, चदर बिदर भी चेंज करना है यहाँ। सो दिस इज़ द बिफोर लुक, आफ्टर लुक मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। भाई साफ सफाई चालू करें, मीनाक्षी आने वाली है, बैचलर लाइफ फिनिश, बट आई रियली वॉन्टेड इट टू बी फिनिश्ड क्योंकि बड़ी तकलीफ हो रही थी भाई। चलो सफाई करते हैं। तो गाइस मैंने बस एक बार ही हाथ मारा है और ये निकली है गंदगी मात्र उस टेबल से। बहुत काम करना बचा है भाई। अब मैं अपने तीसरे अटेम्प्ट पे जा रहा हूँ। ये चद्दर बिछने को नहीं हो रही यार, कैसे लगते हैं भाई ये। यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब में सीखना पड़ा कैसे लगता है। एक तो इस घर में कुछ सामान नहीं मिलता कभी, अलग अलग कलर के, अलग अलग कलर के कुशन कवर मिल रहे हैं। मिलेगा भी कैसे, कभी हाथ बटाओगे तब तो मिलेगा। अब तो पता होगा कहाँ होता है। एक रूम तो साफ हो गया, मेरी तो हालत उसी में ख़राब हो गई। कपड़े भी धुल गए, एक घंटा लग गया उस रूम को साफ करने में। एक्चुअली चद्दर ने चद्दर ने बहुत टाइम ले लिया। चद्दर साफ करते समय मुझे होटल मैनेजमेंट के वो दिन आ गए जब हमारा हाउस कीपिंग का क्लास हुआ करता था और मैम डांट डांट के सिखाती थी चद्दर चेंज करना, कि हाउ टू चेंज द बेडशीट। अब ये रूम है, इस रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बट इस रूम को करने से पहले हैव अ लुक उस रूम का, और उस रूम के बाथरूम को भी साफ करना है मुझे। ये हो गया ये रूम, कायदे से साफ सफाई वे झाड़ू पोछा कट का, इस चादर ने जान ले ली। और अब मुझे करना है बाथरूम। बाथरूम की हालत भी ख़राब है। आई हेट टू डू बाथरूम्स, वैसे तो आई हेट टू डू एनी थिंग एट होम, बट एनी वेज दैट इज़ द वर्स्ट थिंग आई कैन डू, बट करना तो पड़ेगा। चलो बाथरूम साफ होगा निर्वस्त्र होके तो वहाँ वीडियो नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओ भाई बचा लो मुझे, नहा के निकला मैं क्योंकि पूरे बदन से हार्पिक की खुशबू या बदबू जो भी बोलो आ रही थी। और आज तो एक ही रूम कंप्लीट हुआ भाई, इस तरह तो और नहीं हो पाएगा। विल कंटिन्यू टुमारो। अभी कपड़े धोए हैं, कपड़े लेके आता हूँ। वो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था।
हाँ तुम बिल्कुल वैसी नहीं जैसा मैंने सोचा था। मेरा मेरा कपड़े तो लगा दिए मैंने, बट ये चादर कहाँ लगाऊँ? ये चादर, चादर के अंदर सारे कपड़े, कपड़े कैसे सूखेंगे? अभी तो दो लॉट और है। कोई बात नहीं। सो गाइस, अब यही है जो है, एक रूम साफ हो गया है, एक बाथरूम साफ हो गया है, और तो मैं कुछ कर नहीं पाया। कपड़े धुल के रख दिए हैं, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा सूखने में, और दो लॉट बचा हुआ है धोने के लिए, देखते हैं कैसे होता है। बट अब मैं थक गया हूँ यार, पता नहीं कैसे कर लेती है एक दिन में। और मैंने तो हथियार गिरा दिए हैं, अब ये युद्ध कल वापस युद्ध विराम हो गया है क्योंकि रात हो गई है। पहले ज़माने में रात को युद्ध नहीं करते थे, मैं बूढ़ा आदमी पुराने ज़माने वाला, रात को ये युद्ध कंटिन्यू नहीं रहेगा, युद्ध विराम कर दिया है मैंने। हथियार कल वापस उठाए जाएंगे, सारे हथियार वापस बाथरूम में रख दिए गए हैं, पोछे झाड़ू सारे वो कल उठाए जाएंगे वापस। अब लग रही है भूख, इतना काम करने के बाद खाना बनाने की मेरे में हिम्मत नहीं है। वैसे हिम्मत होती तब भी मैं बनाता नहीं, पर आज कम से कम बहाना है, तो खाना मंगाया जाए, खाना खा के गुड नाइट, कल देखते हैं। टू बी कंटिन्यूड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सुबह हो गई, कल का थोड़ा बहुत सफाई हो गया था, आज है हॉल की बारी और बाकी घर की बारी, क्योंकि एक दो दिन में मीनाक्षी लोग आ जाएंगे तो आई डोंट हैव मच टाइम। सो डस्टिंग मैंने चालू कर दी है, घर की हालत बहुत सॉलिड खराब है। अगर मैं दिखाऊँ तो, अगर आपको दिख रहा हो, ये दिख रहा है, ये धूल, वहाँ धूल नहीं है, ये एक्चुअली यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म आया था दुबई में कुछ दिन पहले, उसकी वजह से ज़्यादा गंदा हो गया, टीवी भी पूरा धूल धूल हो गया है। और अगर मैं धूल दिखाऊँ, ये देखिए, होली क्रैप क्या धूल है, ये देखो, ये निकल भी नहीं रहा। चलो जी साफ करते हैं। सो अब मैं आ गया हूँ आदि के रूम पे साफ करने, अभी तक उस रूम से शाबाश, ये सब सबूत है, इस वीडियो के थ्रू मैं दिखा सकता हूँ मीनाक्षी को, वो मानेगी नहीं कि मैंने घर साफ किया है, तो ये वीडियो तो पक्का मैं डालूँगा। घर साफ कर रहा था तो मुझे ये फोटो दिखा, ऑसम। ये मेरे जो डॉल के साथ है वो मैं हूँ, और ये आदि है, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, और लोग बोलते हैं आदि मम्मी जैसा दिखता है। आप लोग बताइए कमेंट करके किस कैसा दिखता है, मेरे जैसा, मेरे जैसा, या इसकी मम्मी जैसा। अगर आपको दिख रहा हो, ये है नतीजा, यानी सीएत, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये हैं सैंडस्टॉर्म से आए हुए। शीशा बंद है, आज भी काफ़ी डस्टी है बाहर का वेदर, ये देखिए ये हाल हो जाता है, शीशे पे देख रहे हैं आप, ओह हेल। और बड़ी बात ये है जो मैंने आपको दिखाया है, ये शीशे बंद होने के बाद है, विंडो बंद होने के बाद है, ये आता है एसी से, एसी का हाल देखिए, वो भी पूरा काला हो जाता है, ये पार्टिकल्स आते हैं एसी से, इसलिए घर साफ करने के बाद भी जल्दी गंदा हो जाता है। थैंक यू दोस्त, मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू वेरी मच, मज़ा आया।
वेरी गुड। अब जब सब साफ हो ही रहा है तो वाई टू इग्नोर परमात्मा, तो इनका भी घर साफ कर देते हैं ना, इनकी वजह से मैं अपना भी घर साफ कर पा रहा हूँ। करेंगे, आप करेंगे। तब मैं पूछा जो भी है, पूछा मारने की तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे मिला ये, शायद ये डलता है फ्लोर पे, लेवेंडर टी ट्री ऑयल, लेवेंडर टी ट्री ऑयल, इसी से मारेंगे पूछा। आई एम ऑलरेडी ऑल सेट टू मारो पोछा। मैंने इसमें इस पानी के अंदर दो चीज़ डाला है, एक था क्लोरेक्स, उसमें लिखा था नथिंग इज़ बेटर देन क्लोरेक्स टू किल द जर्म्स, और एक मैंने डाला वही जो लेवेंडर टी ट्री ऑयल। चलो मारा पोछा। अब सेकेंड स्लॉट ऑफ कपड़ा, सेकेंड स्लॉट ऑफ कपड़ा रेडी हो गया है। ओ नहीं, सेकेंड नहीं, सॉरी, थर्ड स्लॉट, उसको लगा दिया जाए। चलो जी, पूरा साफ कर दिया मैंने गैस। अब मैं इसके साथ छेड़खानी नहीं करूँगा, ये जो होते हैं, जो भी इसको बोलते हैं, क्योंकि अगर ये ख़राब हो गया तो फालतू गाली पड़ेगी। सो इसके साथ मैं छेड़ाखानी ना करते हुए इसको रख के आई विल क्लोज दिस। काम ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई, एक चीज़ साफ करता हूँ तो दूसरा चीज़ गंदा दिखता है। इट्स नॉट इजी डूड, नॉट इजी। सो गाइस, घर तो साफ हो गया, बहुत टाइम लगा मुझे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मुझे आदत नहीं है, आदत तो क्या, इनफैक्ट प्रॉब्ली दूसरी या तीसरी बार ही किया हुआ मैंने शादी के बाद। तो अब मैं अगर दिखा दूँ, कल मैंने दिखाया था आपको क्या हाल था, अब एक लुक देख लीजिए मेरी मेहनत का, पसीने का। लेट मी शो यू। तो ये हो गया बाथरूम, बढ़िया बढ़िया जगह है ना जी। ये हो गया, फटाफट दिखा देता हूँ आपको, ये पूरा उठा उठा के साफ़ किया था मैंने। ये जी हो गया, इस मेरे दोस्त ने बहुत साथ दिया मेरा। अच्छा, ऊपर कुछ सामान रखे हुए हैं वहाँ पर, ये सब फ्लोर सूखने के बाद ये सब रखा जाएगा। आदि के टॉयज़ वगैरह भी मैंने रख दिए ठीक से, ड्रेसिंग भी साफ़ कर दिया। और अगर यहाँ देखें, मंदिर भी साफ़, कपड़े धुल के लग गए हैं, ये पूरा हॉल साफ़ सुथरा, पौधों में पानी, पानी में पौधा, और किचन। 10:30 बज गए, मैं अराउंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं कितने बजे चालू किया था। बाथरूम भी पूरा साफ, ये बाथरूम मेरा है, आई यूज़ इट ओनली। किचन ऊपर नीचे से पूरा साफ, थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए हैं, फ्लोर साफ़। अभी मीनाक्षी को आने में है टाइम ठीक है ना, बट कल मेरी है फ़्लाइट, और जब तक मैं फ़्लाइट से आऊँगा तब तक मोस्ट प्रॉब्ली या तो उसी दिन या उसके एक या दो दिन बाद मीनाक्षी आएगी। अगर दो दिन बाद अगर उसी दिन आती है तो मेरे पास टाइम नहीं होगा, दैट्स वाई मैंने आज पूरा साफ़ कर दिया। कल सुबह की मेरी फ़्लाइट है, 10:30 बज रहे हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं अभी। पर आ गई एक चीज़ है जो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, मीनाक्षी ने एक वीडियो बनाया था 2-4 महीने पहले, जिसमें उसने बोला था कुछ लोग बोलते हैं कि घर पर काम ही क्या होता है। वो वीडियो पूरी तरह से मेरे पे आधारित था। सो आज आई वुड से आई विल टेक माय वर्ड्स बैक, घर में काम होता है। मैंने इतना सा काम किया और मैं इनफैक्ट थक गया हूँ, एंड टू टेक केयर ऑफ किड, एंड देन खाना बनाना,
इट्स काम यार, काफ़ी काम. इट्स सो हैट्स ऑफ टू ऑल द हाउस वाइफ हु स्टेज एट होम, हु टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज. हैट्स ऑफ टू माई मॉम, हैट्स ऑफ टू माई राक्षी, हैट्स ऑफ टू ऑल द वुमेन देयर हु आर हाउस वाइफ्स एंड दे टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज. और जो हमें लगता है कि हाउस वाइफ है, काम ही क्या होता है. काम होता है भाई, काम होता है, बहुत तबीयत से काम होता है. ये काम वो डेली करते हैं जो मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा. इट्स बेसिकली फिजिकल लेबर मैन, बहुत टफ था. हाँ, ये काम मैं करवा सकता था किसी को बुला के भी, जो कि मैं हमेशा करवाता वैसे ही हूँ. बट आई रियली वॉन्टेड टू नो, आई रियली वॉन्टेड टू फील हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट गो, क्या होता है घर पे काम करना. एसी के अंदर मैंने काम किया है. आज दुबई का टेम्परेचर है 49 डिग्रीज. ये काम जो दुबई में लेबर्स हैं वो कर रहे होंगे, माई हार्ट गोज फॉर देम. प्लीज़ आप लोग भी जहाँ भी हैं उन लेबर्स को पानी पिला दीजिए. अगर आप जा रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं रोड पे दुबई में लोग कचरा साफ़ करते हैं, प्लीज़ गाड़ी रोक के उनको पानी पिला दीजिए. 49 डिग्रीज में ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, एसी चला के 22 पे है मेरा टेम्परेचर अभी, उसमें मुझे इतना पसीना आ गया, उन लोगों का क्या होता होगा यार. एनीवेज बहुत लेक्चर हो गया, चलो चलो भाई, पूजा भी हो गई मेरी.